वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। गाइस, आज लेकर आए हैं अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट का थर्ड पार्ट। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको इस डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाने के लिए रिक्वायर होंगे, उसमें हमने आपको बताया था कि आपके KYC रिक्वायर्स होंगे, आपके फाइनेंशियल्स रिक्वायर होंगे, साथ में आपको डिफरेंट डिफरेंट हमने पेपर्स बताए थे कि आपके अदर मशीनरीज की कोटेशंस हैं, एक्स्ट्रा जो है। गाइस, हमने सेकंड वीडियो में आपको बताया कि कौन कौन से आपके फाइनेंशियल और टेक्निकल एनालिसिस वाले आपको पैराग्राफ तैयार करने हैं। गाइस, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए थर्ड पार्ट, जिसमें आज हम आपको बताएंगे रेशियोज की कैलकुलेशन। तो गाइस, इस रेशियो की कैलकुलेशन के लिए, जैसा कि मैंने आपकी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक मैंने एक बैलेंस शीट तैयार की हुई है और बैलेंस शीट के अंदर, जैसा कि मैंने आपको दिखा रखा हूँ, लाइबिलिटीज हैं और असेट्स हैं। मैंने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आपके लिए सभी ये तैयार किए हुए हैं। आप लाइबिलिटी साइड में देख सकते हैं कि कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, डिवेंचर्स है, लोन एंड लोन फ्रॉम फ्रेंड्स है, टर्म लोन और ऐसे काफ़ी सारी जो मद हैं जो मैंने अपनी लाइबिलिटी साइड में कवर की हुई हैं। गाइस, इसी तरह से असेट्स, यानी जो बिजनेसमैन है उसकी असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, गुडविल हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गए और भी कैश स्टॉक सभी मैंने कवर किए हुए हैं। गाइज, इस आज की वीडियो का जो हमारा एक एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो आपको समझाना है कि बैंक्स जब कोई भी लोन देता है, फंडिंग करता है, तो उसके कुछ मार्जिन्स होते हैं, कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ ट्रेंडिंग्स होते हैं, हमें कहूँ तो कुछ रेशियोज होते हैं जिनके आधार पर वह आपको फंडिंग करता है। दोस्तों, अब यह है पुराने एग्जिस्टिंग बिजनेस की बात करूँ चाहे नए बिजनेस की बात करूँ, दोनों केस में आप देखेंगे तो आपको रेशियो कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। अगर आप पुराना बिजनेस कर रहे हैं तो आगे वाले जो फ्यूचर, यानी आपके एस्टिमेटेड ईयर और आपके प्रोजेक्टेड ईयर, उनके सभी रेशियो कैलकुलेट किए जाएंगे। अगर आपके जो भी रेशियो हैं जो आपके बेंचमार्क से मेल खाते हैं, यानी कि जो बैंक ने एक क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ है, अगर उन्हें वो पार करते हैं तो आपको ऐसे में बैंक फाइनेंस मिलना ईजी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने कुछ अदर डिटेल्स हैं जो, जैसे कि सेल्स, नेट प्रॉफिट, डेप्रिशिएशन, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन और प्रिंसिपल ऑन टर्म लोन, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लिए हैं जिनसे मैं डिफरेंट डिफरेंट रेशियो आपको मैं यहां पर कवर कर सकूं। तो दोस्तों, हम कौन कौन से रेशियोज यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, आप देख पा रहे हैं करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेप्ट इक्विटी, टोटल आउटसाइड, स्टॉक, डेटर्स, नेट प्रॉफिट टू सेल, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, DSCR और CC लिमिट ऑन सेल्स एंड CC लिमिट ऑन स्टॉक। गाइस, पॉइंट नंबर 13 और 14 मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा, यानी कि यहाँ पर मेरी कैलकुलेशन की हुई नहीं है इन रेशियोज की, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि ये रेशियो क्या है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करने के लिए हमें इन्हें सेग्रीगेट करना होगा, यानी इनका जो भी उनका हेड है उनके अंदर इनको पहुँचाना होगा। तो गाइज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कैपिटल है, यह नेटवर्थ का पार्ट है, रिजर्व एंड सरप्लस है, यह भी एक ओनर की ही प्रॉपर्टी, यानी उसका एक प्रॉफिट है जो उसने अपने बिजनेस में लगाया हुआ है। गाइस, डिवेंचर्स है जो कि आपके लिए एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, यानी कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की मैं बात करूं, ऐसी लाइबिलिटी जिसका रिपेमेंट एक साल से अधिक के लिए हो, तो वह लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहलाएगा। दोस्तों, अगला पॉइंट है लोन फ्रॉम फ्रेंड्स। दोस्तों, हम यहाँ पर अजम्पशन लेके चलते हैं कि यह भी एक साल से अधिक के लिए रीपेमेंट किया जाएगा। दोस्तों, अगला पॉइंट लॉन्ग टर्म लोन फॉर मशीन। दोस्तों, मशीन लोन प्रायः 5 से 7 साल के लिए दिया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा यह भी एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगी। मैं वापस से बता दूं, मशीन लोन मोस्टली 5 से 7 साल के लिए दिया जाता है, आप चाहें तो अवधि कम करवा सकते हैं, लेकिन 7 साल से ज़्यादा की अवधि करना मुश्किल होता है। दोस्तों, अगली बात करूं, ओवरड्राफ्ट लिमिट या CC लिमिट, दोनों ही अलग अलग टर्म्स हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही होता है। दोस्तों, यह हर साल रिन्यू की जाती है, इसलिए इसे हमने करंट लाइबिलिटी में काउंट किया है। दोस्तों, करंट लाइबिलिटी में उन जिम्मेदारियाँ, यानी उन लाइबिलिटीज को काउंट किया जाएगा जिनकी जिम्मेदारियाँ 12 महीने के अंदर ही कंप्लीट करना जरूरी होता है। दोस्तों, अगली बात करें सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी आपके लेनदार, जो कि आपके हो सकता है 2 महीने के हो, 1 महीने के हो या 3 महीने के हो, यानी कि 12 महीने से ज्यादा के लिए नहीं होते हैं, इस कारण इसे हमने भी करंट लाइबिलिटी में काउंट किया है। दोस्तों, अगला पॉइंट है एक्सपेंसेस पेबल, कि
आप अपने अपने एम्प्लॉयज उनकी सैलरी ड्यू है या आपका रेंट ड्यू है या आपका बिजली का खर्चा ड्यू है, ऐसे में हमने उसे एक्सपेंसेस पेबल में काउंट किया है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, मान लीजिए दोस्त कि अगर आपका कोई कस्टमर है और उसने आपको कोई एडवांस दिया हुआ है, ऐसे में वह अपना एडवांस कभी भी वापस आकर मांग सकता है, इसलिए हम इसे भी करंट लायबिलिटी में काउंट करते हैं। दोस्तों प्रोविजन किसी भी खर्चे के संबंध में हो सकता है, चाहे वो आकस्मिक हो या अनाकस्मिक हो। जैसे कि मान लीजिए किसी तरह का कोई लॉस होने से कोई प्रोविजन बनाना, या किसी की ऑडिट फीस का प्रोविजन, या किसी खर्चे का प्रोविजन, यानी जिसकी संभावना हो उसके लिए आपको वह खर्चे का प्रोविजन आपको रखकर चलना पड़ेगा। गाइस हमने इन सभी को आपके आगे हमने दिखा रखा है कि हमने अमाउंट्स में मेंशन की हुई है और उनका टोटल भी हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। इसी तरह से दोस्तों हमने लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी है, इनको फिक्स्ड एसेट्स में रखा है क्योंकि इनकी अवधि एक साल से अधिक के लिए होती है। दोस्तों गुडविल है, इसे हमने इंटेंजिबल असेट्स के अंदर रखा हुआ है ताकि इस पर हम लोग, दोस्तों आज हम आपको बताते हैं पॉइंट और कि आप जैसे गुडविल है उस पर 25% की रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। अगला है इन्वेस्टमेंट इन शेयर, इन्वेस्टमेंट इन शेयर को हमने नॉन करेंट असेट्स के अंदर काउंट किया है क्योंकि यह बिजनेस का पार्ट नहीं है। और दोस्तों अगला पॉइंट है प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश स्टॉक, एडवांस टू सप्लायर एंड डेटर, इन सभी को हमने करंट असेट्स में काउंट किया हुआ है। दोस्तों अगला पॉइंट है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसे भी हमने इंटेंजिबल असेट्स में काउंट किया हुआ है। दोस्तों हम अगली अपनी रॉ पर चलते हैं और अब हम लोग यहाँ पर हमारे सारे रेशियोज की कैलकुलेशन शुरू करेंगे। तो हमने किया है इनको, हमने सबको एक ही जगह पर शो कर दिया है। आप देख सकते हैं नेट वेल्थ के अंदर नेट वेल्थ का अमाउंट आ गया है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यह हमने सीरियल नंबर्स उठा लिए हैं यहाँ से। ओके गाइस आप देख सकते हैं करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में पॉइंट नंबर 6, 7, 8, 9, 10। गाइस इसी तरह से हमने असेट्स का भी डिवीजन कर दिया है। असेट्स में आप देख पाएंगे फिक्स असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स, करंट असेट्स, साथ में नॉन करंट असेट्स। तो दोस्तों हम लोग अपना रेशियो कैलकुलेशन शुरू करते हैं। मैं साथ में कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो बेंचमार्क रेशियो है वो भी बता सकूं। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग करंट रेशियो के बारे में। करंट रेशियो क्या कहता है? करंट रेशियो का फॉर्मूला है आपका करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि आपकी करंट असेट्स करंट लायबिलिटी के ऊपर कितनी अवेलेबल है। या मैं सीधे तौर पर बात करूँ कि आपके पास आपकी जो 12 महीने से कम की अवधि की करंट असेट्स की उपलब्ध कितनी अवेलेबिलिटी है करंट लायबिलिटी के ऊपर, यानी आपका स्टॉक, डेटर्स, कैश, आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसा कितना अमाउंट है जो कि आपकी 12 महीने से कम के खर्चे के लिए अवेलेबल हो। अगर हम यहाँ पर हम कैलकुलेशन निकालें तो आप देखेंगे 1960/1040, यानी करंट असेट्स ये रहा और करंट लायबिलिटी ये रहा। अगर हम बात करें इस रेशियो की अगर मीन की, तो दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि एक रुपए की जिम्मेदारियां यानी एक रुपए की लायबिलिटी के ऊपर 1.88 की करंट असेट्स हमारे पास अवेलेबल है, यानी एक रुपए की जिम्मेदारियों के लिए 1.88 रुपए हमारे पास उपलब्ध है। दोस्तों बेंचमार्क रेशियो यानी बैंकर्स क्या कहते हैं? बैंकर्स कहते हैं कि आपके पास करंट रेशियो कम से कम 1.33 तो होना ही चाहिए, यानी कि एक रुपए की लायबिलिटी के ऊपर कम से कम 1.33 रुपए का करंट असेट्स अवेलेबल होना चाहिए। दोस्तों अगला बात करते हैं क्विक रेशियो की। दोस्तों क्विक रेशियो किसके बारे में संबंध में बात कर रहा है? क्विक रेशियो उन संबंध में बात कर रहा है जिसमें क्विक असेट्स के संबंध में, यानी कि ऐसी संपत्तियां जिन्हें कम से कम समय में लिक्विडिटी में कन्वर्ट किया जा सके, जैसे कि कैश, जैसे कि डेटर्स, जैसे कि एडवांस फ्रॉम सप्लायर्स। मैं आपको दिखा एडवांस टू सप्लायर्स, मैं आपको शीट नंबर 3 में लेके चलता हूँ। ये देखिए कैश, एडवांस टू सप्लायर्स और डेटर्स, ये क्विक असेट्स क्यों है? क्योंकि इन्हें बहुत कम समय में ही कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। दोस्तों क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, यानी आपकी जिम्मेदारियों को चुकाने के लिए आपके पास लिक्विड असेट्स की अवेलेबिलिटी कितनी है। यानी हम अगर इस एग्जांपल के अंदर बात करें तो हमारे पास 1040 रुपए की जिम्मेदारियों को चुकाने के लिए 780 रुपए
उपलब्ध है। अगर हम सीधे तौर पर बात करें तो हम हमारी जिम्मेदारियों का 75% तुरंत ही चुका सकते हैं। दोस्तों अगले जो रेशियोज हैं वो है लीवरेज रेशियो। दोस्तों यहाँ पर हर एक रेशियो अपनी एक इम्पोर्टेंस रखता है, यानी बैंकिंग के जो बेंचमार्क्स हैं अगर एक भी रेशियो पर आप खरे नहीं उतरते हैं तो हो सकता है कि बैंक आपके लोन के लिए आपको मना कर दे। तो यह रेशियो आप अपने खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला रेशियो है डेप्ट इक्विटी रेशियो। दोस्तों यहाँ पर डेप्ट का मतलब सिर्फ डिवेंचर से ही नहीं, सभी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी से है। ओके गाइस, तो आप अपना फॉर्मूला भी देख पा रहे होंगे, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी अपॉन टेंजिबल नेटवर्थ। दोस्तों यहाँ पर टेंजिबल नेटवर्थ का क्या मीन है? यहाँ पर टेंजिबल नेटवर्थ का मीन कि नेटवर्थ माइनस इनटेंजिबल असेट्स, यानी कि जो आपकी कैपिटल लगाई हुई है साथ में जो आपका प्रॉफिट है उसमें से आपकी जितनी भी इंटेंजिबल असेट्स है उन्हें घटा दीजिए। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है वह है 1200 रुपये है। इसके अंदर क्या क्या कवर किया हुआ है? इसमें लोन फ्रॉम रिलेटिव, डिवेंचर्स और आपके और टर्म लोन को काउंट किया हुआ है। जबकि अपॉन में देखेंगे तो 800 रुपये के अंदर आपकी इक्विटी प्लस आपकी रिजर्व एंड सरप्लस में से आपने गुडविल और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को घटा दिया है। तो दोस्तों अब इस रेशियो से क्या निकल कर आता है? दोस्तों इस रेशियो से यह निकलता है कि 1 रुपये के इक्विटी पर 1.71 रुपये के आपके लॉन्ग टर्म लोन है। यानी अगर मेरा 1 रुपया मैंने अपना खुद का लगाया हुआ है तो 1.71 रुपया मैंने अपने बाजार से लेकर अपने धंधे में लगाया हुआ है। ओके गाइस, तो इससे हमें क्या कैलकुलेशन निकलती है कि हमारा बाहर का पैसा कितना है। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये पैसा लॉन्ग टर्म लोन की बात कर रहा है, यानी शॉर्ट टर्म पैसे के यहाँ पर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो दोस्तों अगला जो पॉइंट हमारा रेशियो है वो चलिए उसको भी कवर कर लेता है। अगला पॉइंट है टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी रेशियो। दोस्तों जब बात टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी की आ गई है तो यहाँ पर हमें शॉर्ट टर्म लोन्स और लॉन्ग टर्म लोन्स साथ में हमारे जो भी क्रेडिटर्स हैं यानी बाहर, यानी कि अपने बिजनेस के बाहर जितना भी पैसा हमने लिया हुआ है, चाहे वो क्रेडिटर फॉर्म में हो चाहे वो एक्सपेंसेस फॉर्म में हो। दोस्तों क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेस हमें अपने एम्प्लॉय को या सैलरी हमें अपने एम्प्लॉय को चुकानी तो पड़ेगी ही, तो हमारे लिए भारी खर्चा हुआ। ओके गाइस, तो ऐसे में इसका रेशियो क्या होगा? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी अपॉन टेंजिबल नेटवर्थ। तो दोस्तों अगर इस रेशियो की मैं कैलकुलेशन निकालूं तो आप देख पाएंगे 1200 रुपये के आपके लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, 1040 की आपकी करंट लाइबिलिटी है। ओके गाइस, अपॉन आप देख पाएंगे टेंजिबल नेट हमने लास्ट फॉर्मूले में भी यूज किया था जो कि हमारा 700 है। ऐसे में हमारा टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी रेशियो 3.2 आ रहा है, यानी कि 1 रुपये की हमारी कैपिटल के ऊपर 3.2 यानी 3.20 रुपये भार का यानी मार्केट से लेकर लगाया हुआ है हमारे बिजनेस के अंदर। तो गाइज ऐसे में जो एक बेंचमार्क रेशियो है वो कहता है कि 4:1 यानी 1 रुपये पर आप भार से 4 रुपये तक ही ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपका भारी पैसा बहुत ज्यादा है तो ऐसे में हो सकता है आपको बैंक लोन लेने में दिक्कत आए। दोस्तों अगला जो रेशियो है वो है आपका सेल्स टर्नओवर रेशियो, यानी कि सेल्स अपॉन स्टॉक, यानी गाइज कि आपका स्टॉक का टर्नओवर कितना हो जाता है। मान लीजिए इस एग्जाम्पल के अंदर हम लोग 1120 रुपये का स्टॉक हर वक्त मेंटेन करके चलते हैं जबकि हमारी बिक्री 1 साल के अंदर 5000 रुपये की है, तो दोस्तों हमने हमारे स्टॉक को 4.46 टाइम रोटेट किया, यानी हम मोटे तौर पर बात करें तो 4.5 टाइम हमने हमारे स्टॉक को 1 साल के अंदर रोटेशन कर दिया, यानी 4.5 टाइम हमने उसको बार बार घुमाया है। ओके गाइस, आगे चलते हैं हम अगले फॉर्मूले के लिए। अगला फॉर्मूला हम देखते हैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो के अंदर बात करें दोस्तों तो सेल्स अपॉन डेटर्स, यानी कि आप अगर अपने डेटर्स का एवरेज बैलेंस मेंटेन मान के चलिए 640 रुपये रखते हैं तो आपने कितनी बार डेटर्स को माल बेचा और कितनी बार उनसे पैसे की रिकवरी की। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर इस रेशियो को कैलकुलेट करें तो हमारा फॉर्मूला होगा सेल्स अपॉन डेटर्स, यानी 5000 की सेल पर हमने 640 रुपये का
डेटर्स का एवरेज बैलेंस मेंटेन करते चलते हैं, तो दोस्तों 7.81 टाइम हम हमारे डेटर्स को टर्नआउट कर देते हैं, यानी कि 7.81 बार हम रोटेशन घुमा लेते हैं। दोस्तों अगला जो फॉर्मूला है डेटर्स वेलोसिटी का, यह क्या कहता है? यह कहता है डेटर्स अपॉन सेल इंटू 12, यानी कि सेल जो टोटल सेल है उस पर डेटर्स का कितना आपका कलेक्शन पीरियड है। दोस्तों कलेक्शन पीरियड यहाँ पर कैलकुलेशन आप चाहे तो नंबर ऑफ डेज में कर सकते हैं, आप चाहे तो मंथ में कर सकते हैं। नंबर ऑफ डेज के लिए आपको 365 से करना पड़ेगा, आप चाहे तो यहाँ मंथ के लिए आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर मंथ वाइज कैलकुलेट किया है तो 1.536 टाइम आपका यहाँ पर आपका कलेक्शन पीरियड आ रहा है, यानी कि जो सेल्स का क्रेडिट पीरियड है वो 1.54 मंथ्स का है। यानी मोटे मोटे तौर पर बात करें तो अप्रोक्स 46 से 47 दिन के आसपास ये कैलकुलेशन बैठती है, यानी कि एक बिजनेसमैन अपने देनदारों को 46 से 47 दिन की उधारी देता है, तो वह आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो रेशियो है वह रिटर्न ऑन इक्विटी का है, और पॉइंट नंबर 9 में देख सकते हैं आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का है। अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं यानी कि मेरे पैसे पे मैंने कितना मार्जिन कमाया, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो टोटल पैसे पर यानी कि मेरे आउटसाइड जो लोन लिए हुए हैं उन पर भी मैंने कितना मार्जिन कमाया हुआ है। आप इक्विटी पर देखेंगे गाइस, तो इक्विटी पर हम आपको दिखा देते हैं। इक्विटी पर देख सकते हैं आप 500/700 × 100, यानी आपके 700 की इक्विटी पर आपने 71% का मार्जिन कमाया है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, आउटसाइड लाइबिलिटीज की, लॉन्ग टर्म लोन्स की, तो वाइज आपका 26% का मार्जिन आता है। यानी कि अगर मैंने बाहर का पैसा भी मैं जोड़कर कैलकुलेशन निकालूं तो 26% का मार्जिन आपका टोटल यहां पर आता है। दोस्तों अगला लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। यह रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और गाइस मैं आपको बता दूं ये क्यों निकाला जाता है। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो निकालने के पीछे रीजन है कि जब कभी भी कोई टर्म लोन लिया जाता है यानी मशीन का लोन लिया जाता है उस टाइम यह कैलकुलेशन की जाती है। इसका जो रेशियो है वह है नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस टर्म लोन अपॉन आपका प्रिंसिपल प्लस ब्याज। दोस्तों यह क्या कहता है, यह रेशियो कहता है कि आपकी प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी कितनी है आपके ब्याज और मूल को चुकाने के लिए, यानी आप क्या इतना प्रॉफिट कमा पा रहे हैं कि आपने ब्याज और मूल को चुका सके। तो गाइस आप यहां पर देखेंगे कि आपका जो प्रॉफिट है इस एग्जांपल के अंदर 3.1 टाइम है उसे चुकाने के लिए। ओके गाइस, अगला लास्ट जो दो दो इश्यू है, एक मैंने बताया था आपको कि सेल्स और एक बताया था स्टॉक। यानी गाइस आप कभी भी एक टिप के तौर पर मैं लास्ट में दे रहा हूं आपको, अगर आप कभी भी सीसी लिमिट लेने जा रहे हैं तो सीसी लिमिट मोस्टली स्टॉक का 80% या 75% दी जाती है और सेल्स का 20% दी जाती है। यानी कि अगर हम इस एग्जांपल में बात करें तो मैं हमको दिखा देते हैं, यानी कि अगर आप सीसी लिमिट के लिए मान लीजिए अगर आपका ये सेम बिजनेस होता तो 1120 का 80% आपको लिमिट दी जा सकती है, साथ में सेल्स का 20%। सेल्स का 20% कितना हुआ यहाँ पर 1000 रुपया, और स्टॉक का 80% अप्रोक्स 800 के आसपास, विच एवर इज लोअर। यानी कई बिजनेसमैन जब कैश क्रेडिट लिमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके ऊपर यह सीसी लिमिट वाला फॉर्मूला लागू होता है। आपने एक वर्ड सुना होगा MBPF, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, तो दोस्तों यह फॉर्मूला उसके अंदर यूज किया जाता है। गाइस आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।